राज्यसभा से विदाई ले रहे मनोनीत सदस्य जावेद अख्तर ने देश के मौजूदा हालात पर गहरी चिंता जताई। जावेद अख्तर ने ओबैसी पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने भारत माता की जय बोलने से इनकार करने वाले ओबैसी के बयान पर विरोध जताते हुए सदन में 3 बार भारत माता की जय कहा। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी से अपने विधायकों, सांसदों और मंत्रियों पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले बयान देने से लगाम लगाने को भी कहा। अपने विदाई संबोधन में ओबैसी का नाम लिए बिना उन पर जावेद अख्तर ने हमला किया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में एक शख्स है जिन्हें गुमान हो गया है कि वह राष्ट्रीय नेता है। उन्होंने कहा, बात यह नहीं कि भारत माता की जय बोलना मेरा कर्तव्य है या नहीं, बात यह है कि भारत माता की जय बोलना मेरा अधिकार है। अख्तर ने कहा, मैं कहता हूँ भारत माता की जय। इसके साथ ही उन्होंने सत्ता पक्ष को भी परोक्ष निशाने पर लिया। अख्तर ने कहा कि देश में ध्रुवीकरण और धार्मिक कट्टरता फैलाने की कोशिश को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी से कहा कि वह अपने उन विधायकों, सांसदों, राज्य मंत्रियों और मंत्रियों तक रोक लगाएं जो नफरत फैलाने वाले बयान देते हैं। अख्तर ने कहा कि देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, जिन्हें कोई उखाड़ नहीं सकता, लेकिन लोकतंत्र तभी है जब धर्मनिरपेक्षता है। लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता के बिना नहीं रह सकता। देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में कोई अस्थायी परिभाषा नहीं बनाई जा सकती। यदि इसकी अस्थायी परिभाषा बनाई जाती है तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहतों को लगातार नजरअंदाज करने वाले 12 सांसदों को संसद की 3 महत्वपूर्ण समितियों से बाहर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि संसदीय समितियों की बैठक से लगातार गैर हाजिर रहने वाले इन सांसदों से पार्टी आलाकमान काफी नाराज भी है। दरअसल बीजेपी संसदीय दल की तमाम बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय संसदीय मंत्री वेंकैया नायडू सांसदों को लगातार यह सलाह देते रहे हैं कि वो संसदीय कामकाज में गंभीरता से शामिल हो, समितियों की बैठक में भी भाग ले। लेकिन इसके बावजूद 12 सांसद लगातार समितियों की बैठक से नदारद चल रहे थे। इन सांसदों की हाजिरी 50% से भी कम रही, जिनकी वजह से इन्हें 3 महत्वपूर्ण संसदीय समितियों से बाहर कर दिया गया है। इन समितियों का 1 साल का कार्यकाल 30 अप्रैल को पूरा हो रहा है, लेकिन नए समिति के गठन में से बीजेपी ने इन 12 सांसदों को हटा दिया है, यानी दोबारा इनका नाम नहीं भेजा गया है। एस्टिमेट कमेटी से सांसद विनोद खन्ना, दर्शना विक्रम जडू, संजय जायसवाल, कीर्ति आजाद, ओम बिरला और गणेश सिंह को बाहर कर दिया गया है। वही लोक लेखा समिति से रमेश पोखरियाल निशंक, एसएस अहलुवालिया और दुष्यंत सिंह को बाहर कर दिया गया है। सार्वजनिक उद्यम समिति से भी 3 सांसदों, पंकज चौधरी, नंद कुमार सिंह चौहान और वरुण गांधी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हालांकि इस पर सीधी टिप्पणी करने से बचते हुए संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि समितियों में नामांकन एक नियमित प्रक्रिया है। हालांकि खुद नायडू सांसदों को लगातार समितियों की बैठक में उपस्थित रहने के बारे में हिदायत देते रहे हैं। मंगलवार को ही उन्होंने सांसदों को समितियों की बैठक में मन लगाने की नसीहत दी थी। हालांकि कई सांसदों ने अपनी सफाई में कहा कि वे बिहार विधानसभा चुनाव में व्यस्त रहे। राजस्थान के सांसदों ने भी कहा कि राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त होने की वजह से वो संसदीय समितियों की बैठक में भाग नहीं ले पाए, लेकिन पार्टी आलाकमान पर इन सांसदों की दलीलों का कोई असर नहीं पड़ा। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली के जवाब के साथ बजट सत्र का पहला चरण बुधवार को खत्म हो गया। हालांकि आखिरी दिन भी लोकसभा में आधार बिल को लेकर घमासान जारी रही। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में आम बजट को लेकर अपना जवाब दिया, साथ ही आखिरी दिन आधार बिल को लेकर भी हंगामा चलता रहा। राज्यसभा में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल आधार बिल के खिलाफ है। वहीं मोदी सरकार की कोशिश है कि लोकसभा में इस बिल को व्हिप के जरिए पास करवाया जा सके। केंद्र सरकार आधार बिल को धन विधेयक का दर्जा दिलाकर लाई है, लिहाजा राज्यसभा इसे चाहकर भी रोक नहीं सकती और राज्यसभा के पास ना होने की सूरत में भी ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। छोटे राज्यों के मुद्दे पर बात करने के लिए उठी राज्यसभा सांसद जया प्रदा देश के बंटवारे पर बड़ा बयान दे गई। उन्होंने कहा कि इस बार विदेशी नहीं बल्कि भारतीय ताकतें देश का बंटवारा जाति और धर्म के नाम पर करना चाहती हैं।
मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार देर रात लैंडिंग के दौरान एयर इंडिया के विमान का एक टायर फट गया। इस दुर्घटना के कारण एयरपोर्ट का मुख्य रनवे काफी देर तक बंद रहा। हालांकि सभी सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना मुंबई एयरपोर्ट पर रात 10 बजे की है। नागपुर से एयरबस A380 फ्लाइट ने मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग की और रनवे पर चलते हुए प्लेन का टायर फट गया। एयर इंडिया के स्पोक्स पर्सन के मुताबिक घटना के तुरंत बाद इमरजेंसी फैसिलिटीज की मदद लेकर सभी पैसेंजरों को लिया गया। घटना के बाद मेन रनवे को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है। विमान में सवार एक यात्री ने बताया कि लैंडिंग के दौरान विमान का टायर फटने से आग धीरे धीरे विमान की खिड़की की तरफ बढ़ने लगी थी, जिससे विमान में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी शनिवार को देहरादून एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना के विमान का एक टायर फट गया था और वहां भी सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। गुजरात में आतंकी हमले के लिए घुसपैठ करने वाले 10 में से 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। इसकी जानकारी पाकिस्तानी NSA नासिर खान ने भारत को दी। ये पहली दफा नहीं था कि पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक तौर पर इस तरह की जानकारी मुहैया कराई गई थी। भारत में भी इस पर त्वरित कार्रवाई हुई है और सफलता भी हाथ लगी है। हालांकि 7 आतंकियों की तलाश अभी चल रही है। गौरतलब है कि पाकिस्तानी NSA ने जानकारी दी थी कि गुजरात में बड़े आतंकी साजिश के तहत आतंकी घुसे हैं। पाकिस्तान की ओर से कहा गया था कि 10 आतंकी समुद्र की सीमा से गुजरात में दाखिल हो चुके हैं। इससे सतर्क एजेंसियां और पुलिस ने पूरे राज्य में सघन अभियान चलाया था। इसी के तहत बताया जा रहा है कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया है और इन तीनों की पहचान भी कर ली गई है। हालांकि भारतीय एजेंसी की ओर से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है और इस बीच 7 अन्य आतंकियों की तलाश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को 3 दिन पहले ही इस बारे में सफलता मिली है। गुजरात सहित पूरे देश में सतर्कता बरती जा रही है। देश में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। पाकिस्तान के पेशावर में एक बस में हुए बम धमाके में 16 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 25 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। ये बस सरकारी कर्मचारियों को लेकर जा रही थी। धमाका पेशावर की सुनहरी मस्जिद के पास हुआ। बस में सिविल सेक्रेटरीट के कर्मचारी सवार थे। धमाके की आवाज सुनते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायलों को लेडी रीडिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैंटोनमेंट के SP मोहम्मद काशिफ ने कहा, धमाका बस में प्लांट किए गए विस्फोटक से हुआ है। मरने वालों की संख्या 16 है। बम टूल बॉक्स में रखा गया था। पुलिस ने बताया कि धमाका IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस के जरिए किया गया है, जिसे बस में एक टूल बॉक्स के अंदर रखा गया था। बस में करीब 50 लोग सवार थे। धमाके के बाद घायलों को बाहर निकालने के लिए बस को काटना पड़ा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमले की निंदा की और मरने वालों के परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि ऐसे कायरपूर्ण हमले आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई को नहीं रोक पाएंगे। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में सिविल सेक्रेटरीट के कर्मचारियों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी साल 2013 और 2012 में सिविल सेक्रेटरीट की बस पर हमला किया गया था, जिसमें 38 लोग मारे गए थे। देशद्रोह मामले में आरोपी उमर खालिद और अनिबारना भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी छात्रों और दिल्ली पुलिस के वकीलों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के वकील ने दोनों छात्रों की जमानत का विरोध किया। इन्होंने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि जांच एजेंसियों को अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, साथ ही कन्हैया को जमानत मिल चुकी है, लिहाजा उन्हें भी जमानत दी जाए। वहीं JNU के उच्च स्तरीय जांच पैनल ने देशद्रोह मामले अभी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद दो छात्रों उमर खालिद और अनिबारने भट्टाचार्य को जातिगत या क्षेत्रीय भावनाएं भड़काने या छात्रों के बीच कटुता फैलाने का दोषी पाया है। उप महानिरीक्षक तिहाड़ जेल के जरिए अनिबारन और उमर को भेजे गए कारण बताओ नोटिस में विश्वविद्यालय ने उन्हें 4 आरोपों के तहत दोषी माना है। कोर्ट अब 18 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी। गौरतलब हो कि 9 फरवरी को JNU में एक कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारेबाजी की गई थी, जिसमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिबारन भट्टाचार्य समेत कुछ अन्य छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। आज UP के हजारों प्राथमिक शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ कूच कर सपा सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। राजधानी लखनऊ में धरने पर बैठ अब जल्द से जल्द अपनी मांगे पूरी न होने पर प्राथमिक शिक्षकों ने सपा सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का भी कर दिया ऐलान। UP के प्राथमिक शिक्षकों द्वारा एक लंबे समय से अपनी ड्यूटी सिर्फ शिक्षण कार्य में ही लगाए जाने व पेंशन संबंधी कई अन्य मांगों को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन के बावजूद इन शिक्षकों की मांगे पूरी न होने से नाराज यूपी के प्राथमिक शिक्षकों ने आज राजधानी कूच कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान यूपी के इन हजारों प्राथमिक शिक्षकों द्वारा एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके मद्देनजर जहां इन यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में
चल रही वार्षिक परीक्षाओं का इन शिक्षकों द्वारा बहिष्कार कर दिया गया। वहीं संबंधित अपने समस्त स्कूलों में ताला लगा दिए जाने से न सिर्फ सूबे के करीब 1.5 करोड़ छात्र छात्राओं की परीक्षाएं बाधित हो गईं, बल्कि प्राथमिक शिक्षकों की इस बड़ी हड़ताल से शासन सत्ता में भी हड़कंप मच गया है, क्योंकि अब इन शिक्षकों ने जल्द से जल्द अपनी मांगे पूरी न होने की स्थिति में सरकार से आर पार की लड़ाई भी लड़े जाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगर समय रहते सरकार द्वारा यूपी के इन प्राथमिक शिक्षकों की मांगों को लेकर गंभीरता से विचार कर उनको पूरा न किया गया तो इसका खामियाजा आने वाले दिनों में शासन में बैठे आला अधिकारियों को नहीं, बल्कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ ही आगामी 2017 में यूपी की सत्ताधारी सपा सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी पर धाराएं देशद्रोह की लगेंगी या भड़काऊ भाषण की, इसका फैसला कल लखनऊ सत्र अदालत में होगा। वहीं कल से ही असदुद्दीन ओवैसी का लखनऊ का 2 दिवसीय दौरा भी शुरू है। धाराएं भड़काऊ भाषण की होंगी या देशद्रोह की, इसका फैसला कल लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ भाषण पर की गई कंप्लेन याचिका जो लखनऊ जिला सत्र अदालत में दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने मुकदमा लिखने के आदेश दिए थे, वहीं कल इस पर अहम सुनवाई होगी, जिसमें कोर्ट ये तय करेगी कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी पर देशद्रोह की धाराएं लगाई जाएं या फिर भड़काऊ भाषण की। वहीं दूसरी तरफ कल से ही 2 दिवसीय असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश का दौरा भी शुरू है। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी के 2 दिवसीय दौरे को लेकर जहां पहले ही कई अटकलें लगाई जा रही थी, वहीं कल लखनऊ सत्र अदालत में होने वाले फैसले पर भी अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जीआरपी में नेताओं के चक्कर लगाकर और सिफारिश के बलबूते नौकरी करने वाले जीआरपी अधिकारियों की अब खैर नहीं है, ये फरमान सुनाया है अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे जी एल मीना ने। एडीजी रेलवे ने साफ किया है कि अब रेलवे पुलिस में अधिकारियों को काम करना होगा, वरना उनकी खैर नहीं है। जीआरपी के अपर पुलिस महानिदेशक जी एल मीना ने आज लखनऊ में जीआरपी हेडक्वार्टर पर एक मीटिंग की। जीआरपी के प्रदेश भर के पुलिस अधिकारी, जिसमें आईजी, डीआईजी, एसपीसी और थाना प्रभारी शामिल थे, उनकी एडीजी रेलवे गोपाल लाल मीना ने जमकर क्लास भी ली। साथ ही इन अधिकारियों के पेच भी कसे और कहा कि पोस्टिंग के खातिर नेताओं की परिक्रमा करना छोड़ें, पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी वरना खैर नहीं है। होली के मद्देनजर रेलवे में घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह को सूचीबद्ध करने का निर्देश भी एडीजी रेलवे जी एल मीना ने दिया। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि क्राइम कंट्रोल न कर पाने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जाए। जीआरपी की इस क्राइम मीटिंग के बाद जीआरपी अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही नेताओं के साये में नौकरी करने वाले अधिकारी पूरी तरह से खौफजदा नजर आए। इतना ही नहीं, एडीजी रेलवे जीएल मीना ने क्राइम मीटिंग के दौरान आंकड़ों से बाजीगरी करने वाले अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई, तो साथ ही ये भी कहा कि अच्छे काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा, तो गलत काम करने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं है और उन पर सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ताजरी आगरा के फतेहपुर सीकरी इलाके में एक बीजेपी के नेता को अपनी ही पार्टी के प्रति आस्था रखना महंगा पड़ गया। उसने वर्ष 2014 में लखनऊ में हुई मोदी की सभा के लिए एक ट्रेन बुक कराई थी, उसी को लेकर ट्रेन ने तकरीबन 12 लाख रुपए की बकाया राशि के लिए नोटिस भेजा है। दरअसल भाजपा के आगरा फतेहपुर सीकरी इकाई के अध्यक्ष विनोद सामरिया पर लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मार्च को लखनऊ में नरेंद्र मोदी की रैली में भाग लेने के लिए एक 19 बोगी की ट्रेन बुकिंग कराई थी। भारतीय रेल के लिए 12,29,390 रुपए बकाया है, जबकि विनोद सामरा से 15 लाख रुपए पार्टी की तरफ से जमा भी करा चुके हैं। बावजूद इसके रेल विभाग विनोद सामरिया की तरफ अब भी 12 लाख रुपए बकाया बता रहा है। रेलवे द्वारा लगातार विनोद सामरिया को बकाया राशि जमा कराने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। वही विनोद सामरिया भाजपा नेताओं के आगे गुहार लगाकर थक गया। तंग आकर विनोद सामरिया ने पार्टी द्वारा रेलवे का पैसा न दिए जाने की स्थिति में आत्महत्या करने की ठान ली है। विनोद सामरिया प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी वाजपेयी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री सुरेश प्रभु, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पत्र लिखकर अपनी परेशानी बता चुके हैं। विनोद सामरिया के मुताबिक आश्वासन तो मिलता है, लेकिन अभी तक कोई नोटिस आना बंद नहीं हुआ। रेल विभाग से मिले नोटिस के बाद बीजेपी नेता ने इस परेशानी से निपटने के लिए रेल मंत्री मोदी जी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह से न्याय के लिए गुहार लगाई है कि आखिरकार वो 12 लाख रुपए की राशि नहीं भर सकता। बावजूद इसके पार्टी ने अगर उसकी सुनवाई नहीं की तो विनोद समरिया आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। यादव सिंह मामले में दाखिल हुई सीबीआई की चार्जशीट ने उत्तराखंड में भी हलचल पैदा कर दी है, जिसके बाद से ही क्या नौकरशाह और क्या राजनीतिक सभी में हड़कंप मचा हुआ है।
यादव सिंह की चार्जशीट में सामने आया है गाजियाबाद बेस एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का नाम, जो कि उत्तराखंड सरकार की भी चहेती कंपनी है। प्रदेश के भीतर अभी तक एनकेजी को अरबों रुपए के काम दिए जा चुके हैं, जिसमें सड़क, पुल, रेलवे ओवरब्रिज, एयर स्ट्रिप जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। मुख्य काम पर लागत की बात करें तो पंतनगर एयर स्ट्रिप के विस्तारीकरण का 90 मिलियन का काम, सुखरो नदी पर 140 मिलियन का पुल निर्माण, मालन नदी पर 120 मिलियन का पुल निर्माण, 351 मिलियन की लागत से बनने वाले दो रेलवे ओवरब्रिज का काम, चंपावत जनपद में रोड इम्प्रूवमेंट में 363 मिलियन का काम। वहीं प्रदेश के भीतर कई काम ऐसे भी हैं जो पूरे किए जा चुके हैं, जिनको देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि उत्तराखंड प्रदेश में करोड़ों के काम एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को सौंपे गए हैं, जो कि उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के पास रजिस्टर्ड है और इसकी वैलिडिटी 30 जून 2018 तक की है। उत्तराखंड में भी एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को करोड़ों के काम मिलना साफ कर रहा है कि प्रदेश में भी कोई न कोई यादव सिंह जरूर है, जिसके बाद अब मांग उठने लगी है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को जारी किए गए सभी टेंडर की सीबीआई से जांच करवानी चाहिए। दरोगा से इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे राज्य के दरोगाओं के लिए अच्छी खबर है। 5, 6, 7 अप्रैल को इंटरव्यू की तारीख निश्चित कर दी गई है और इंटरव्यू कॉल अब पुलिस मुख्यालय करने जा रहा है। राज्य गठन के बाद ये अभी तक का सबसे बड़ा प्रमोशन है और रेशियो के आधार पर हर दूसरे दरोगा में से एक व्यक्ति इंस्पेक्टर बनेगा। राज्य के दरोगा अब जल्द ही 3 स्टार लगाकर घूमेंगे। लंबे समय से चली आ रही दरोगा से इंस्पेक्टर बनने की प्रक्रिया जो थमी हुई थी, मैं एक बार फिर से रफ्तार आई है और डीजीपी बीएस सिद्धू ने आईजी मुख्यालय दीपम सेठ को आदेश कर दिए गए हैं कि 5, 6 और 7 अप्रैल 3 दिनों को इंटरव्यू के लिए सुनिश्चित कर लें। 232 दरोगा 113 पदों के लिए इंटरव्यू देंगे और एक रेशियो के मुताबिक हर दूसरे व्यक्ति को इंस्पेक्टर बनने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि पदों के सापेक्ष स्थिति इसी तरह बन रही है। डीजीपी का कहना है कि पदों में किए गए इजाफे के तहत ये व्यवस्था होगी और राज्य में इंस्पेक्टरों की कमी है। इंस्पेक्टर को पूर्व में छोटे जिलों में टीआई के पद बढ़ाए जाएंगे और इसके साथ ही एलआईयू और दूसरी शाखाओं में भी इंस्पेक्टर के पदों का इजाफा किया जाएगा। एक और जहां इससे राज्य के दरोगाओं को फायदा मिलेगा, वहीं 2002 और 2005 बैच के दरोगा सीधे तौर पर भी इंस्पेक्टर बनेंगे। दरोगा प्रमोशन को लेकर कई बार विवाद हुए, मसलन मसला हाईकोर्ट गया और कुछ दरोगाओं ने सीनियोरिटी को आधार बनाते हुए सीनियरों को पहले आमंत्रित करने का मौका दिया। तमाम जद्दोजहद के बाद ये मौका अब सामने आया है, क्योंकि सिलसिलेवार पहले सीओ एडिशनल एसपी में, इंस्पेक्टर सीओज में और अब दरोगा इंस्पेक्टर में प्रमोट होने जा रहे हैं। लिहाजा आज की पुलिस महकमे से सबसे बड़ी खबर है। पब्लिक स्कूलों की मनमानी को देखते हुए अब सरकार एक एक्ट लाने जा रही है, जिससे अब पब्लिक स्कूल संचालक अभिभावकों की जेब नहीं काट सकेंगे। राज्य के प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने के लिए अब राज्य सरकार एक्ट बनाने जा रही है, जिससे पब्लिक स्कूल संचालक अभिभावकों की जेब नहीं काट सकेंगे। मुख्यमंत्री इसे सख्ती से लागू कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री को यह एक्ट गवारा नहीं है। ऐसे में सरकार की मंशा पर भी सवाल उठने लाजमी है कि आखिरकार पब्लिक स्कूलों पर कार्रवाई करने से सरकार क्यों बच रही है। पब्लिक स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आए दिन अभिभावक सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करते रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। अब मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूलों की मोनोपोली को समाप्त करने के लिए एक्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री इसे खामियां गिना रहे हैं। ऐसे में यह एक्ट कितना प्रभावी होगा, इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब शिक्षा मंत्री ही प्राइवेट स्कूलों के लिए ढाल बनकर खड़े हैं, तो भला कार्रवाई कौन करेगा। पब्लिक स्कूल संचालकों पर हमेशा से ही अभिभावकों की जेब काटने के आरोप लगते रहे हैं, जिसको लेकर राज्य में बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब मुख्यमंत्री हरीश रावत इस मामले पर एक्ट ला रहे हैं, जिससे ये कहा जा सके कि अब पब्लिक स्कूल के संचालक अभिभावकों की जेब नहीं काट सकेंगे। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में उपनल कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में उपनल के माध्यम से कई विभागों में कार्यरत कर्मचारियों ने राज्य सरकार और उपनल के विभागीय मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बुद्ध पार्क में प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर उनके साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी 6 सूत्री मांगों पर राज्य सरकार ने सोमवार को शासनादेश जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बीते 3 सालों से लगातार अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे कर्मचारियों को हर बार इसी तरह का धोखा दिया जा रहा है। इस दौरान 6 सूत्री मांगों का शासनादेश जारी न करने पर कर्मचारियों ने राज्य सरकार को आत्मदाह की चेतावनी भी। कानपुर में 2 बच्चों के झगड़े के दौरान किसी ने भीड़ पर तेजाब फेंक दिया, जिससे आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए और घायलों को जिला अस्पताल और प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया।
कानपुर के भूलागंज इलाके के कुरियाना मोहल्ले में देर रात दो पक्षों में झगड़ा हो रहा था, तभी किसी ने वहां पर तेजाब फेंक दिया। भीड़ में खड़े सात लोग घायल हो गए। घायल मोहित पांडे, सोनू, शिवम, सौरभ उर्फ कालू, निम्मी राठौर, रजत गुप्ता और कृष्ण तेजाब से घायल हुए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल में आकर घायलों के बयान तो ले लिए, लेकिन घायल भी ये नहीं जानते थे कि झगड़ा में तेजाब कहां से फेंका गया है। पुलिस का कहना है हम मामले में पूछताछ कर जल्दी दोषियों को खोज लेंगे। वहीं पुलिस ने घायलों से जाकर के पूछताछ की और भीड़ में तेजाब फेंकने वाले की तलाश में जुट गई है। पुलिस की गुंडई कानपुर देहात में मामूली कहासुनी के चलते पुलिस ने एक रिटायर्ड फौजी को जमकर पीटा। वहीं रिटायर्ड फौजी की पत्नी पुलिस से फरियाद करती रही, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। इस दरमियान सैकड़ों की तादाद में लोग पुलिस का तांडव देखते रहे। घटना कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली की है, जहां रिटायर्ड फौजी श्रवण कुमार सिंह अपनी पत्नी राधा के साथ बैंक आए थे। इस बीच अकबरपुर कोतवाली में तैनात मुकेश से फौजी की कहासुनी हो गई, लिहाजा खाकी उफान मार गई और सिपाही मुकेश ने फौजी श्रवण कुमार को मारना शुरू कर दिया। इस दरमियान थाने से जीप आ गई और जीप से उतरते ही सभी सिपाही उन्हें सड़क पर फौजी को जमकर मारा। सैकड़ों की तादाद में जनता सड़क पर पुलिसिया तांडव देखती रही। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पुलिसिया छवि सुधारने के भले ही कितने दावे करें, लेकिन ऐसा होता मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आरोपी सिपाहियों पर कोई कार्रवाई होती है या फिर उन्हें बख्श दिया जाता है।